नवी मुंबई में कथावाचक देवकी नंदन महाराज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और आरोप है कि धमकी भरा फोन सऊदी अरब से उनके पर्सनल नंबर पर आया, जिसकी जानकारी उन्होंने तुरंत महाराष्ट्र पुलिस को दी, जिसके बाद केस दर्ज कर देवकी नंदन महाराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में शोभा यात्रा के दौरान उन्हें ऐसी धमकी मिली थी। उधर प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी समेत कई संतों को जहर देकर मारने की साजिश के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला है, जिस पर आरोप है कि उसने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी समेत कई संतों को नए साल के मौके पर जहर देकर मारने की साजिश रची। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी इस साजिश को हकीकत में बदल पाता, पुलिस ने उसे प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी मूव कर रहे हैं, जिससे कि और गहराई से सभी बिंदुओं पे जांच की जा सके। आरोपी ने पूछताछ के दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी पर आरोप लगाया कि उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 20 लाख रुपए लिए थे, लेकिन ना तो वो पैसे वापस किए और ना ही नौकरी लगवाई, जिससे परेशान होकर आरोपी पर संतू के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी 29 नवंबर को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के हरिद्वार में मौजूद आश्रम में पहुंचा था, जहां पर उसके 3 दिन रुककर रेकी करने की बात भी सामने आई। और पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी 2 दिन पहले विक्रमपरी अखाड़े के प्रमुख त्रिकाल भवंता के आश्रम में भी पहुंचा हुआ था, जहां पर उसने ये बताया था कि हरिद्वार में 1 जनवरी को कैलाशानंद गिरी का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सभी अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। आरोपी ने बताया कि उसने उसी कार्यक्रम में बटने वाले प्रसाद में जहर मिलाने की साजिश रची थी, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक विक्रमपरी अखाड़े की प्रमुख त्रिकाल भवंता से करीब 2 करोड़ रुपए की मदद भी लेना चाहता था, जिसकी जानकारी त्रिकाल भवंता ने पुलिस को दे दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साजिश कर रहा था कि खाने में जहर मिला करके उनको हम खत्म कर देंगे। पुलिस ने बताया कि उससे आरोपी के पास से 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं और वो इस मामले में आगे की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के धार में गांव वालों ने 4 लड़कों को रस्सी से बांध दिया। इन पर आरोप था कि ये चोरी के इरादे से गांव में घुसे थे, लेकिन किसी वारदात को ये अंजाम देते उससे पहले ही गांव वालों ने इन्हें दबोच लिया। चोरी के आरोप में पकड़े गए इन 4 लड़कों को थाने तक ले जाने के लिए गांव वालों ने एक रस्सी में बांध दिया और थप्पड़ मारते नजर आए। बताया जा रहा है कि ये लड़के एक गांव में चोरी के इरादे से आए थे। रात को आए थे ये करीबन 2-1 बजे रात को। हाँ, घर पे दरवाजा ठोका और खोला मैंने, पत्थर थे हाथ में, देने वाले थे मेरे को ये। अच्छा, आपको मारने वाले? हाँ, मैं भागा। हाँ, जब मोहल्ले वाले दौड़े पीछे तो पकड़ा गए। इन लड़कों को पकड़ने के बाद गांव वाले पैदल ही इन्हें थाने लेकर पहुंचे और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इन लड़कों से पूछताछ कर रही है। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अमृतसर जिले के राजा ताल गांव में की गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक रात में जवानों ने पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन पर फायरिंग कर उसे ढेर कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि उस ड्रोन के जरिए किन जगहों पर ड्रग्स और हथियार गिराए गए।